नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया कि किडनी की समस्या होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किडनी की समस्या को किन घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि दोस्तों आपको किडनी की समस्या है या फिर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को किडनी की समस्या है तो उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर फॉरवर्ड करें, उसको ये बताएं। किडनी की समस्या में आपको हरी सब्जी अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ हरी सब्जी है जैसे लौकी है, खीरा है, आप इनका इस्तेमाल करें। उसके अलावा पालक है, ये हरी सब्जियां हैं, गाजर हैं, इनका आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें जिससे कि किडनी की समस्या में आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, खीरे को आप जो है सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसको जो है छील के और इसको काट के इसका जूस बनाएं और जूस बनाने के बाद इसका आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी तरीके से आप लौकी का जो है जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा आप जो है अदरक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे किडनी की जो समस्या है उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, उसके अलावा आप आलू का इस्तेमाल करें। आलू का नियमित इस्तेमाल करने से ये एक शोध में पता चला है कि अगर आप आलू का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो किडनी की या किडनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आसानी से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये है बेकिंग सोडियम। तो बेकिंग सोडा जो है उसके यूज करके भी आप किडनी की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि बेकिंग सोडा जो है उसको यूज करने से आपको किडनी से रिलेटेड, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी से बोलते हैं, तो ऐसा आप करते हैं तो आपको किडनी की समस्या नहीं होगी, उसमें किडनी की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके सेवन से किडनी के जो रोग हैं उनकी गति को कम किया जा सकता है। बेकिंग सोडा की मदद से रक्त में होने वाली एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है, जिससे किडनी से जो जुड़ी मुख्य समस्या होती है वो दूर हो सकती हैं। पर दोस्तों, ध्यान रखें कि नमक का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करना चाहिए। किडनी से संबंधित जो रोग से ग्रस्त हैं उनके आहार में आपको ध्यान देना चाहिए कि नमक और प्रोटीन, दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, नमक और प्रोटीन की मात्रा भी आपके खाने में कम से कम रहनी चाहिए, जिससे कि किडनी पर दबाव कम पड़ता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम युक्त आहार से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपको बेकिंग सोडा यूज करना है और नमक और फास्फोरस और पोटेशियम से युक्त जो भी आहार हैं और प्रोटीन का जो आहार है उससे आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं एक अगला उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला उपाय है मुनक्का। दोस्तों, यदि आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये जो मुनक्का है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, मुनक्का है, इसका यूज कैसे करना है आपको, रात में सोते वक्त मुनक्का को आप भिगो दें और सुबह आप इसका दूध के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो किडनी से जुड़ी हुई जो समस्या है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बेहतरीन उपाय आपको बताते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप ये जो पीपल के पत्ते हैं आप इनका यूज करें। पीपल के पत्तों के अलावा नीम की छाल, ये देखिए दोस्तों, ये है नीम की छाल। तो दोस्तों, पीपल के पत्ते और नीम की छाल का आप यूज करके भी किडनी से की जो समस्या है उससे बहुत ज़्यादा हद तक आप आराम पा सकते हैं। दोस्तों, इसे यूज कैसे करना है, ये नीम की छाल आपको आसानी से बाज़ार में या ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो नीम की छाल जो है इसको आप छोटे छोटे टुकड़े बना लें, पीपल के जो पत्ते हैं इनको तोड़ लें, पीपल के पत्तों के साथ में आप डंठल यूज कर लें। डंठल नहीं मिल रही है या पत्तों में प्रॉब्लम है तो आप जो है छाल का इस्तेमाल कर लें, मतलब कोई भी एक आप चीज़ यूज कर सकते हैं। आप 3 गिलास कम से कम पानी लें, उसको आप गर्म करें और इनको टुकड़े करके और पीपल के पत्तों को, डंठल को उसमें डाल दें। दोस्तों, पानी को जब तक गर्म करना है जब तक कि वह भाप बनकर कम होते 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 और कम से कम आधा गिलास जब तक रह जाए, जब तक आप उनको गर्म करें। उसके बाद दोस्तों, उस पानी को छान लें और सुबह और शाम दो दो ढक्कन आप उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा किडनी की समस्याओं में। दोस्तों, आज हमने आपको बताया बहुत ही अच्छे उपचार, जिसमें एक तो पीपल और नीम के बारे में हमने बताया, उसके अलावा मुनक्का के बारे में बताया, उसके अलावा आपको आलू बताया और आपको बताया अदरक के बारे में,
हरी सब्जियों के बारे में आपको बताया है, हरी सब्जियों के अलावा आपको बेकिंग सोडा के बारे में आपको बताया है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इन सारे उपायों को करते हैं, अच्छी तरीके से नियमित रूप से करते हैं, तो आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। किडनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और जो भी इस समस्या से ग्रस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।